हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सत्तू। हमारे यहाँ जौ और चने से बनाया जाता है सत्तू। ये सत्तू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए बनाते हैं सत्तू। सत्तू बनाने के लिए हमने लिया है जौ, 2 किलो जौ है और 2 किलो चना है। दोनों को सेम क्वान्टिटी में लेना है और इसे भुनवाया जाता है भूज वाले के यहाँ। तो सभी को देखिए अच्छे से भुनवा लिया है और अब चने का छिलका निकालना है। तो इस तरह से बट्टे से चादर पर रख के रगड़ने से छिलका निकल जाता है। आप चाहें तो इसको भूज वाले के यहाँ से भी निकलवा सकते हैं छिलका। तो ये निकलवाया है छिलका इस तरह से। अब इसको रगड़ के बट्टे से अच्छे से छिलका निकाल लिया है। देखिए बिल्कुल दाल दाल अलग हो गया है चने का। इसी तरह से जौ को भी अच्छे से कुटवाइए या फिर उसे रगड़ कर छिलका निकाल लीजिए। तो दोनों सेम क्वान्टिटी में लिया है, दोनों को इसी तरह छिलका निकालना है। थोड़ा सा हमने जीरा भून लिया है क्योंकि सत्तू में जीरा पड़ता है। तो जीरा हम इसे ले लेंगे, साथ में ही पीसना है जीरा और चने को और जौ, तीनों को मिलाकर हम पीस लेंगे। तो चलिए हम पहले इसको ग्राइंडर में डालते हैं और उसको पीस लेते हैं। आप चाहें चक्की में पिसाया जाता है जैसे गेहूं लोग पिसवाते हैं ना, उस तरह से सत्तू पिसवाते हैं। लेकिन हमने इसे ग्राइंडर में मिक्सी जार में ही घर में ही पीस लिया है। बिल्कुल प्योर घर का सत्तू तैयार हो जाएगा हमारा, बहुत ही हेल्दी सत्तू। इस सत्तू को खाने से आँखों की जुड़ी हर समस्या को दूर करता है और हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। इससे पेट की समस्या दूर होती है और गर्मी में लू नहीं लगता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये सत्तू, जौ और चने वाला सत्तू। फ्रेंड्स, इसे कई बीमारी से छुटकारा मिलता है। अगर शुगर पेशेंट हैं आप तो बहुत ही अच्छा है शुगर वालों के लिए। इसको नमकीन सत्तू बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको गुड़ पसंद है गुड़ में खा सकते हैं सत्तू को, चीनी में खा सकते हैं, चटनी बनाकर खा सकते हैं। कई तरह से सत्तू खाया जाता है, सत्तू के कई रेसिपी बनाई जा सकती हैं। आप कचौड़ी बना सकते हैं, आप इसके बाटी बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स ये चने और जौ वाला सत्तू। बहुत ठंडा रखता है हमारे पेट को। तो देखिए हमने पीस लिया है इस तरह से, एकदम बारीक महीन पीस लिया है। उसके बाद इसको छान लेंगे तो जो भूसी होगी इसकी निकल जाएगी। एकदम बढ़िया से सत्तू बन के तैयार हो गया। इसी तरह से सभी हम सत्तू को पीस लेते हैं, चना और जौ को, और इसी में मैंने जीरा भी मिला दिया है। तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एकदम यमी, बहुत टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, इस सत्तू को खाने से आपको सारी प्रॉब्लम दूर होगी पेट की और बहुत ही अच्छा लगता है पेट, गर्मी नहीं लगती है, लू नहीं लगता है और बहुत ही समस्याएं जो होती हैं हमारी वो सब दूर हो जाती हैं। तो डेली आप सत्तू को खा सकते हैं या फिर आप सत्तू का शरबत बनाकर पी सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा सत्तू। इस तरह से जौ और चने वाला सत्तू बन के तैयार हो गया है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, तो आप भी इसी तरह से बनाइए और इन्जॉय करिए। कैसी लगी हमारी ये वीडियो सत्तू बनाने की? तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।